अगर किसी गाने की वीडियो हो तो अच्छी बात ये हो जाती है कि आपको ना थोड़ी सी डायरेक्शन ऑलरेडी सिंगर दे देता है, डायरेक्टर दे देता है कि इस डायरेक्शन में सोचना है, या मैंने इस ब्रेथ में इसको लिखा है, या मैं ये चाहता हूँ, ये थीम है। मगर उसका प्लस पॉइंट वीडियो ना होने का ये होता है कि आप खुद इमेजिन कर लेते हो, तो जस्ट लेट योर इमेजिनेशन गो वाइल्ड कि चलो लेट्स सी, ये हम बताते हैं कि तुम क्या कहना चाह रहे हो। हम लोग सुनने वाले हैं वॉर क्राई को, विच फीचर्स रफ्तार एंड केंग, एन अनएक्सपेक्टेड कोलैबोरेशन। मेरे ख्याल से इन दोनों ने पहली बार कोलैबोरेट किया है, मैंने नहीं सुना इन दोनों का कोलैबोरेशन। हम लोग सुनने वाले हैं वॉर क्राई, लेट्स गो। वन गो। मुझे लग रहा है कि ये अच्छा होगा, पता नहीं है। वो गलियों से निकल के राजा बना, वो घर से ठान के गया था करूंगा मैं कुछ तो बड़ा। दुनिया वाले टोकते रहे वो सुनता अब किसी की है कहां। मैं सच कहूंगा तो कड़ी भी लगेगी, कैसा जो नाचेगा हाथों पे दुनिया बस तेरी सुनेगी। ये सच के तू भी मरेगा और वो भी मरेगी, जो सब ही राजा ने यहाँ पे शांति किसे मिलेगी। अब बता तू भूलेगा मैंने कितने पाप किए, हिसाब ही नहीं। मैंने कितने साफ किए, गरीबी में जिया और कितने साल दिए। अब पूछोगे मुझसे कि क्या है सही और क्या है गलत, पर honestly I don't give a। आंखें खुली मेरी दुनिया में तब से लड़ाई इस दुनिया से, शायद कोई राजा ना होता जो दबके जिया होता लालच की दुनिया में। ये वैसे तो नाम ही है पर करना चाहता ऐसा कुछ इस दुनिया में, कि फिर से ना सोचे कोई छोटे घर के ना बन सकते देश की बुनियादे। मैं क्या करूं जो ख्वाबों को राजा ने मारना सीखा नहीं है, अंदर में मेरे एक डर है जो अभी भी दुनिया को दिखा नहीं है। मैं कुछ इस हिसाब से लिखता हूँ जिंदगी और मेरे बीच की ये बातें, इसमें है सब कुछ लिखा पर हारना कभी भी लिखा नहीं है। ये मेरी गलती है मैं ये भी जानता, जो खुद से ना बना मैं उसको कुछ नहीं मानता। बिना लक्ष्य के जिया जो बंदा होता नहीं किसी भी काम का। मेरा बाबा कहता था मौके भी होंगे, गुस्सा भी होगा सर पे और दंगे भी होंगे, जो सच ही तू कहेगा तो जलने वाले भी तो होंगे। तो बस मार के गुस्से को लग जाना लक्ष्य पे सर फिरा, बता तू भूलेगा मैंने कहा कमी रखी जो सीख तूने दी। मैंने पन्नों पे लिखी मेरा दादा मिट गया पर बात मर रही, जब तू लिखेगा जाके अपने हाथों से जिंदगी। छोड़ियो ना कोई कमी, वो धूपों में तपके बना नंगे पांव, वो रेसों में बक्के बना, उसने हद से हवा बदली तब का बड़ा, तब वो बाप के पैरों के तख्ते बना। लड़के लक से बना, लड़का हक से बना, जीता मेहनत और दर्दों को चस्के बना। दे ही मारे तो खाता वो चूरा चना, अब वो औरों को देता है नक्शे बना। मांझी से काटे जो गुड्डे थे सस्ते, वो मांझी सा काटे पहाड़ों में रस्ते, जो पाड़े पड़ा फिर अखाड़े खड़ा, उसके कंधे थे छोटे पर भारी थे बस्ते। ये बंदर भी देखे मदारी बना, जिम्मेदारी ले घूमे सवारी बना, साइकिल को तू भी फरारी बना, चाहे खंजर से किस्मत की धारी बना। तू बस कलम उठा ये ताज है तेरा, मैं बोलूं तुझको राज क्योंकि राज है तेरा। दुनिया वालों को दे दुनिया अपना, खुद का तू जहान दे बना। तू सच कहेगा तो तेरी लगेगी, सींचेगा झूठ का पौधा तो मीठी ना बेरी लगेगी। तू बच्ची है जग लड़ेगा कचेरी लगेगी, हाथ जो खोलेगा बोलो की बोली भी तेरी लगेगी। पता तू बुल्ले मैंने इतने बार सहे, निशान भी नहीं मेरा बेड़ा जो पार करे, वो दीवान की मेरी सारे सब को मारू परे। अब पूछोगे मुझसे कि क्या है सही और क्या है गलत, honestly I don't give a। घर पे तो पत्ती का डब्बा और डब्बे के अंदर एक चाबी दबी थी, देखा जो गौर से मैंने तो डब्बे के ऊपर भी धूली जमी थी। मेरी माँ ने कहा लेके आ बक्सा, कीमती कुछ चीजें रखी थी वो कोने पड़ी, एक फोटो पुरानी और एक घड़ी शायद यादें जुड़ी थी। मैं पूछा ये कौन है फोटो में जो दिख रहा अभी जिंदा नहीं है, बताया गया मुझे नाम और बोला ये साधारण बंदा नहीं है। नाम लाहौरी सिकंदराबाद से जड़ी भी तेरी जुड़ी है, ये वो है जो तेरे पिताजी को पाल बड़ा की, ये रोटी भी इन्हीं की दी है। मैं कहना चाहती हूँ कि देने के जैसे निरंग सदा, ये घड़ी बताती बस वक्त, चाहे बंदा हो जाए जितना बड़ा। तू भी देखेगा नजारे कौन होगा तेरे साथ में खड़ा। सुन ले राजा पहले ये दुनिया
हंसेगी, तुझे गिराना भी चाहेगी नीचे और कमी गिनेगी। ये सच है तू जो लिखेगा, बातें वो होके रहेंगी, तो सच ही कह जाना सारा ना, बाद में खाख बचेगी। अब बता तू बुले मुझे जिंदगी क्यों यदी, तूने कहाँ से शुरू करी और कहाँ ये आ गई। पहले कितना डरता था, अब किसी से डरता नहीं, पकड़ के चल रहा। अब पूछोगे मुझसे कि क्या है सही और क्या है गलत, but honestly, I don't give a fuck। भाई साहब, मैं तुमको ना एक चीज शेयर करती हूँ तुम्हारे साथ। ट्रेन सॉन्ग अगर तुम लिखोगे ना यूट्यूब पे, तो एक गाना है गली बॉय का, जो ना रणवीर सिंह, जिसमें रणवीर सिंह होता है, मगर गाना गाया है किसने करा गाया है मुझे नहीं पता, बट इट्स कॉल्ड ए ट्रेन सॉन्ग, गली बॉय का गाना है और वो बिल्कुल आखिर में होता है, ठीक है। तो अगर वो तुम निकालोगे तुम्हें समझ आएगी, मैं उसको बहुत सुनती हूँ। इट्स वेरी मोटिवेशनल, वेरी इस तर्ज का गाना है और वो बहुत बहुत सॉलिड गाना है, अगर तुम सुनोगे तुम्हें समझ आएगी। उसके बाद अगर कोई सॉलिड गाना उस तर्ज का, उस थीम का है, तो वो इट्स दिस वॉर क्राई। बेसिकली उसको कहते हैं कि जब आप एलानिया तौर पे पार्टिसिपेंट्स बुलाते हैं जंग के लिए, कि चलो भाई आओ, आप जमात बनाओ, ग्रुप बनाओ, टीम बनाओ, बंदे इकट्ठे करो और जंग पे चलें, तो उसको कहते हैं वॉर क्राई। किंग का नाम है किंग, और गाना उनकी लेगेसी बताता है, किंग क्यों है वो किंग और उसने क्या किया, और उनका थोड़ा पास्ट के बारे में इंसाइट देता है, थोड़ा प्रेजेंट के बारे में देता है, और उनकी कितनी रिजिलियंस थी और कितनी कंसिस्टेंसी, कितना मेहनत और कितना पुश करना पड़ता है। पूरा गाना मैं राइमिंग से भी अगर स्टार्ट करूँ ना, तो एक तो सेट राइमिंग इट हैज़, मतलब मैं इट वाज टू गुड, मैंने आई हैवन हर्ड अ गुड सॉन्ग इन अ वाइल, दिस गुड सॉन्ग एटलीस्ट, शुक्र है मैंने इसको रियाक्ट कर लिया। मेरे ख्याल से मोनोपोली मूव्स में से भी सबसे अच्छा गाना यही है। खैर, कमिंग बैक टू द ऑडियो, टू द सॉन्ग, मेन थीम इस पे वो बेस करते हैं कि एक दिन लोगों को पता रहेगा कि छोटे घर से भी लोग उठ के बड़े लोग बन जाते हैं, बड़े हम वो बन जाते हैं, बड़े सिंगर बन जाते हैं अगर मेहनत की जाए। इन्होंने अपना किंग नाम भी इसलिए रखा है कि ही फील्स लाइक अ किंग, किसी कहीं पर इन्होंने पॉडकास्ट या इंटरव्यू में कहा था। तो किंग अगर, अच्छा मैं तुमको इस तरह से दे देती हूँ गाने का थीम, अगर ये इसके पीछे ना तुम गैलेक्सी वॉरियर्स या वो क्या है, कितनी ज़्यादा वॉर मूवीज़ हैं, और ग्लैडिएटर्स ऑफ गैलेक्सी समथिंग लाइक दैट, और लॉर्ड ऑफ रिंग्स और गेम ऑफ थ्रोन्स, जिसमें कोरोनेशन होती है, जिसमें किंग होता है, जिसको ताज पहनाया जाता है, और किस तरह किंग बनता है। वॉर शोज़ आपने देखे, उसमें वन ऑफ द बेस्ट शो है गेम ऑफ थ्रोन्स। तो अगर कोई इंडियन या कोई हमारे रीजन का वॉर शो हो, किंग बेस्ड शो हो, तो उस पर ये गाना इतना फिट बैठेगा, क्योंकि किंग की ज़िंदगी ना बड़ी टर्बुलेंट होती है, बड़ी ही ऊपर नीचे, बड़े उसने डिसीजंस लेने होते हैं एक्सट्रीम, बड़े उसको चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं, बड़े सेक्रीफाइस देने पड़ते हैं। एक बड़ी पोजीशन तक जाने के लिए ऐसे नहीं होता कि आप खा पी रहे हो, पार्टी कर रहे हो, फिर आपको वो पोजीशन भी मिल जाए। उसके लिए सही तरह से पापड़ बेलने पड़ता है, बड़ी कुर्बानियाँ, बड़ी पेशेंस और बड़ा मेहनत, बस वो अलग चीज़ है। प्रेसिडेंटशिप आपको पता है किस तरह मिलती है, तो किंग किस तरह बनता है, तो ये गाना उसके ऊपर इतना फिट बैठता है और उसको इतना अच्छे से डिस्क्राइब करता है कि आई एम ब्लोन अवे लिटरली, सो गुड। इतना वेल रिटन है और इतना वेल डिलीवर्ड है, लव द राइमिंग, लव द फ्लो, हुक बहुत ही क्रेजी अमेजिंग, और मैं बहुत कितना बोलूँगी इसके बारे में, लव दिस ट्रैक। आप लोगों से मिलेंगे नेक्स्ट किसी रिएक्शन पे, तब तक के लिए ख्याल रखो मेरा, सब्सक्राइब दिस वन, फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, बाय, लव यू, गुड नाइट।